देखो महाराज, बदमाशन खबरी पठाई कहिए को राजा हो ठडिया लंगोटा लगाई ले और दही की मलैया कोरी सिर पर धल लिये और दूब पौधा मोहम्मद डाल लिये और चले जाइयो बदमाशन तीरे हाथ जोड़ लिए कोई हम तुम्हारी गाय है गाय महाराज तुम्हारे संग कुछ करे अंगाव ना तुम्हारे संग कुछ करे कल्लेन दियो ना ही न करियो भला हाय तब घर की गरीब बदमाश छोड़ दी जाए जय सब कपड़ा उतारी के लग धरती हो अब तुम पर कहे भाई भाई तुम सड़ाकत पेट भरा हुई जाइ हो औरत चाहे घर को शमशान बना दे औरत चाहे अपने इंसान को हाथी पे बिठा दे औरत चाहे अपने इंसान को गधे पे बिठा दे प्रेमियों ये नहीं जाना राजा मान सिंह ने कि ससुराल के लोग पहरावन लेकर के आए हैं लेकिन औरत ने बहका दिया कि बदमाश लोग आए हैं और ठड़िया लंगोटा लगाए हुए सर पे दही की मलैया रखे हुए कहां जा रहे हैं उसी धुरे के पास जहां पे वो बदमाश लोग पड़े हैं बली होता नहीं समय होती बलवान भिलन लूटी कोप का वही अर्जुन वही बान दही की मलैया भई राजा अपने सर
देखिए भैया याद बहनोई आ रहे हैं। जब घर की बहन आई थी तो इस बहन से क्या कहा था, अगर तेरे भैया मनाए से ना आए तो अपने प्राण वही गवा देना, लौट के पापा तेरी मानगढ़ ही ना। आज हम तुम आ गए हैं इस बताना है तुम्हारे मैं साले हूं, तुम हमारे बहनोई हो, इसे आज इतना हड़काओ इतना डरपाओ। मैं डाकू लोग आ गए हैं, तुम्हारा ये नगर बचने नहीं देंगे, गरीब बचने नहीं देंगे, मैं बात करूंगा। और हिसाब से बहनोई बहनोई होता है, बहनोई तो कोई गलत अपशब्द नहीं कहे जाते हैं, गाली देने वाली दी जाती है, डर पाओ गाली बको। और देखिए क्या तुम्हारा ही नाम राजा मान सिंह है, अरे तुम्हारा ही नाम राजा मान सिंह है, बोल बोल मैं जल्दी पॉइंट खोल। प्यार दूंगा यार, जरा भी धोखा किया तो चक्कू मार। तुम्हें साले कुछ खबर है, राम 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 तुम्हारे रखें गंगा राम। अरे ये क्या कर रहा है साले, सब राज आउट हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। देखिए तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, क्या तेरी नजर में कुछ आता, मैं सभी डाकू लोग आ चुके हैं, सब लोग झाटू लोग आ चुके हैं। किस प्रकार साला हमारे समझ में नहीं आ रहा है। भैया बड़े भैया कर रहे हैं, चिंतन कर लो। देखिए राजा मान सिंह तुम्हारा ही नाम है, ये गढ़ी तुम्हारी ही है, गढ़ी ना झोपड़ी है, लड़के की बारात तुम्हारे ही है, बारात ना ब्याह हुई। देखिए साला यानी रघु मन की तरह चमड़ी चली जाए तमड़ी न जाए, राजा को माना बता रहा है, गरीब को झोपड़ी बता रहा है, बारात को विवाह बता रहा है, यानी बारात तगड़ी होती है विवाह हल्के निपट जाती। साले तेरे दिमाग तो नहीं खराब है, हंटर हम सभी लोग डाकू और सरदार लोग आ चुके हैं, तेरे यहाँ सब जीरो की कमाई मैंने सुनी है, तुझने गरीब लोगों को बर्बाद करके छोड़ दिया है, यानी सब तेरे पास जीरो की कमाई है, कोई गरीब घर के यहाँ काम अटक गया और बेचारा तेरे पास पैसे लेने आया, तुमने 50 रुपए किसी को दिए और महीने खार नहीं दे पाया, तुमने उसे बुलवाया अपने नौकर के हाथ चौकीदार के हाथ बुलवा के उससे पूछा पैसा नहीं दिए, उसने कहा साहब मेरे यहाँ शादी विवाह पड़ गया और कुछ मजबूरी के वजह से पैसे नहीं दे पाया, तो कोई बात नहीं जाने दिया और उसमें एक और बढ़ा दिया जीरो, तो कितने हो गए 50 रुपए के 500। और एक हफ्ता नहीं रुका, उसे फिर बुलवाया चौकीदार के हाथ से नौकर को भेज करके, और फिर नहीं दे पाए तो उसमें और एक जीरो बढ़ा दिया, तो कितने हो गए 5,050 रुपए। थोड़े दिन बीते, बेचारे के पास मजबूरी थी, बच्चा जिया है कि पैसा दे, अब तो इतने रुपए हो गए, आप पैसे नहीं कई साहब दे देंगे थोड़े दिन में, उसमें और थोड़ा जीरो बढ़ा दिया, तो कितने हो गए जीरो की कमाई, 50 रुपए दे करके बेचारे गरीब लोगों को खून पी लिया, सारी जहाजाते लिखा ली, कढ़ी कोठी और सब खेत बैनामा करा लिया 50 रुपए में ही। आज मैं तेरी जीरो की कमाई भी रुपए बदल दूंगा साले, इधर बैठ ले हल्का सारे मारते रहो, इधर आओ। अगर सरदार हमारा उतर गया तो तेरी ये चमड़ी सुझा देगा, बहुत जब सारो बानो यही खराब भैया। और देख उधर भी हमारे सरदार ग्रोह के सरदार खड़े हैं।